अभी हम लोग रील बनाने गए मुकेश सर बोलो Hey, brilliant. Thank you so much. And that is also not yours? This is what you do. This is yes. Specialized in this art. Yeah. Very lovely. So you've been doing this for how long now? It's for 3 years. You know, artist away. Welcome. He has the paje Shilpa Shetty Ashutosh. He has a बहुत ही तगड़ा फोटोग्राफर है ही लव्स टाइम और ऑल दैट आदि की नहीं आ जाओ यहीं आ जाओ इस साइड आओ भाई हमारे ये आर्टिस्ट घर का आर्टिस्ट है ये शिल्पा शेट्टी जी के भाई हैं जो कि सुपर आर्टिस्ट खुद भी है क्या क्या उसका फेवरेट डायलॉग क्या है वो सही पकड़े हैं एकदम शेरों को सही पकड़े हैं इनने painting is a photography is a photography campaign and it's amazing lion him dala hai yahan pe rakha hai bas bhai kuch tiger ke paas love so this where did you capture this one this is at dilli ji aapko samne dekhna ha the heart of art ये तो बहुत ही चंद पेंटर्स हैं और फोटोग्राफी है जो यहाँ आज डिस्प्ले आज तो बहुत कम है पर बहुत लोग ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया आई थिंक 60% स्टॉल्स जो 80% नियरली इज सोल्ड आउट तो यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो भी यहाँ आर्टिस्ट मुझे मिले हैं उनसे बात करने में जो मज़ा आता है बिकॉज एक आर्टिस्ट का थॉट जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए सब लोगों को अलग लगता है मेन चीज़ ये कि उसकी वैल्यू क्या है आज हुसैन साहब आते थे घर में पेंटिंग करके कभी तब्बू को दे दी कभी किसी को दे दी शबाना जी को दे दी उनकी वैल्यू आज क्या है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट के एक आर्टिस्ट को अपने टाइम में उनकी वैल्यू बढ़े एंड आई थिंक वो हमारा टारगेट है एंड मैंने देखा बहुत सारे होटलों में हर रूम में ब्यूटीफुल पेंटिंग लगी होती है बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी होती है तो यू रियली वॉन्ट टू वॉच इट एंड मेरे घर में भी मेरे डैड मॉम के टाइम पे यानी एक आर के धवन जी ने हमारी पेंटिंग्स बनाई थी जब भी हम उसको देखते हैं कैन वॉच इट फॉर आवर्स बिकॉज इट्स सो ब्रिलियंट तो एनी आर्टिस्ट हुज ब्रिलियंट डिजर्व्स टू बी एक्सपोज टू द होल वर्ल्ड मस्ट नो एंड आई थिंक इंडियंस दे आर मोस्ट टैलेंटेड एंड दे आर वंडरफुल मुझे तो एक फिगर सुना है मैंने वो मैं डर गया हूँ कि इतने आर्टिस्ट इंडिया में कि आई कैन नॉट बिलीव इट कि सच्ची इतने आर्टिस्ट हैं बट एब्सोल्युटली जब मेरी बेटी आर्टिस्ट है पूजा आर्टिस्ट है तो आई थिंक वाकई 3 करोड़ आर्टिस्ट इंडिया के अंदर हैं तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग एंड हमारे यहाँ इतने नहीं होंगे हमारे यहाँ टॉप के आर्टिस्ट होंगे एट दिस एग्जिबिशन बट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल हॉबी विच टर्न्स इन टू मनी मेकिंग एंड विच विल ग्रो अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन एक साथ इतना बड़े चीज को लॉन्च करना
छः महीने से लगी है ज्योति जी, अब समझाएं ज्योति जी, छः महीने पहले मुझे बोलती है नवंबर में होगी एग्जीबिशन, मैं कहा अभी क्यों आ गए हो, बोला बहुत काम है, और तब से काम रोज कर रहे हैं, वेल डन। तो बताइए ज्योति जी, आई थिंक शी इज वर्क रियल हार्ड, शी नोज द मोस्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो विजन है वो सिर्फ कुछ शहरों से लिमिटेड नहीं है, हमें इंडिया के हर कॉर्नर से आर्टिस्ट को कलेक्ट को चुन चुन कर लाना है ताकि वो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो इसके लिए बहुत समय की ज़रूरत है, बहुत छोटे छोटे इवेंट्स करने की ज़रूरत है। अभी भी जैसे हमने देखा, हमने मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर कहा, तो अभी भी हमारा वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन जो है वो अभी भी अनटच है, और जबकि वहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत समय की ज़रूरत है, बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है। तो हमें ऑब्वियसली ऐसा लगा कि हमारे साथ में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना चाहिए जो हार्ट से भी स्ट्रांग हो, और शायद नहीं यार, मेन चीज़ क्या है, आर्टिस्ट स्ट्रांग है, तो हमें दोनों सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो बिल्कुल, जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बाहर बैठा है, किधर जयपुर में बैठा है, उदयपुर में बैठा है, किधर भी बैठा है, एंड ही इज़ नाउ ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में होगा कि ये एग्जीबिशन होगी नहीं होगी, अच्छी तरह होगी, मेरी चीज़ें जो मैं पूरा मुंबई तक लाऊंगा तो वो बिकेंगी। उनका ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इनको पूरा ट्राई एंड टेस्ट करके एक एक चीज़ इनकी सुन के फिर अपना नाम दिया, क्योंकि एक आध बार हमें भी झटका लगा है लाइफ में, तो कभी वापस झटका बुरा ना लगे, इसीलिए मैं श्योर हूँ दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से जो जो मुझे बोला आज मुझे वो दिखा है। तो दिस इज़ आर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जस्ट टू लेट एवरीबडी नो दैट दे कैन कम हियर, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड दे विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू फॉर लिविंग अप टू माय ट्रस्ट। एंड क्राइटेरिया क्या होगा, जो आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, क्या क्राइटेरिया होगी आपकी, किस पे सिलेक्ट हुए थे आर्टिस्ट की? हम ऐसे कोई बेसिक क्राइटेरिया हम रख नहीं रहे हैं, आर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, काम मेहनत दिखनी चाहिए उसके अंदर, उसने कितना समय दिया है अपने प्रोफेशन को, इस प्रोफेशन के लिए वो भी यहाँ इनवाइटेड है, जिसने अभी शुरू किया है लेकिन फिर भी उसका काम बहुत अच्छा है वो भी यहाँ इनवाइटेड है, जो एज अ हॉबी करता है लेकिन उसने कोई डिग्री नहीं ली है लेकिन उसका काम बहुत सुंदर है वो भी यहाँ इनवाइटेड है, कोई बच्चा है जो बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है कि बड़े को फेल कर दे वो भी यहाँ इनवाइटेड है, इवन डॉक्टर, शी इज आल्सो इनवाइटेड, ये यू विल बी इन द सेलिब्रिटी कैटेगरी, डॉक्टर्स, हमारा एक पूरा डॉक्टर्स का ग्रुप है जो सिर्फ बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और एज अ हॉबी वो पेंटिंग करते हैं, उनका पूरा एक अलग सेक्शन है जहाँ पे हमने उनको रखा हुआ है, वो डॉक्टर्स वहाँ पे होंगे, तो सभी इनवाइटेड है। आप अगर आर्ट में इंटरेस्टेड हो, आप आर्ट अच्छा बनाते हो, आप इनवाइटेड हो हमारे एग्जीबिशन में आने के लिए, और आप पसंद करते हो तो आप इनवाइटेड हो हमारे एग्जीबिशन को देखने के लिए। अभी जो पेंटिंग, एक तो मुझे वो फोटोग्राफ बहुत अच्छी लगी टाइगर की, आशुतोष शिंदे ने जो फोटो ली है एट रणथंबोर, अमेजिंग, एक आंख दिख रही है शेर की, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी, मुझे ये रेजिन वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, हां मैं एवरीथिंग, और भी कुछ पेंटिंग्स ऐड होती जा रही हैं, और भी लुक एट दैट ब्यूटीफुल हॉर्स इज वंडरफुल, यू आर ऑल मल्टी टैलेंटेड, यहां बड़े-बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो आए हैं आज, तो दे ऑल वंडरफुल, इवन दैट ट्री ऑफ लाइफ, yeah, I think it is a tree of life, it is a different it's imagination earth, it's like happiness coming out, yeah, oozing out from plastic. Many things, yeah, many, yeah, things, so I love art and main keh sakti hu main bindu ki tarah ek art aficionado hu, to jab inhone mujhe bulaya to ek second mein done I think inko bhi pata hai ki mujhe art achhi lagti hai to inhone tabhi mujhe bulaya shayad So I love tanjores also, और मैं खुद भी paint करती हूँ, हालांकि मैं अभी acrylic पे करती हूँ, और acrylic से करती हूँ, पहले oil से करती थी on canvas, and I just do it for fun. जुड़ना चाहे बाकी आम common आदमी जुड़ना चाहे, जी किस तरह से जुड़ा जाएगा? वही मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं अगर अपनी पेंटिंग, यू आर ऑन, आपकी पेंटिंग है, भाई से भी बात करता था सलमान से, उसे पूछते मेरी बेटी की भी डालेंगे, दिस इज सेलिब्रिटी सेक्शन, सलमान की पेंटिंग है मेरे पास एक, अरे उसको पूछना पड़ेगा उसका साइन लेना पड़ेगा कि यस यू कैन पुट दिस फॉर सेल और नॉट, ऐसे बहुत लीगैलिटीज होती है पेंटिंग्स में, आज हुसैन साहब ने अगर आपको प्रेजेंट दी है पेंटिंग, यू कैन नॉट गो एंड सेल इट, यू नीड परमिशन फ्रॉम हिज फैमिली, बहुत लीगल सिस्टम है, उसी लिए सी ए लीगल विगल सब चाहिए। राइट, राइट।
है और इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है ज्योति जी ने वो बहुत ही मैसिव स्केल पे है, आई डोंट थिंक ऐसा कभी हुआ है. और आर्टिस्ट को जैसे ये चाहते हैं कि रिकग्निशन मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो पेंटिंग्स बेच सके, कुछ पैसा बना सके, आई थिंक दैट्स ग्रेट. यू नो एवरीबॉडी नीड्स दैट प्लेटफॉर्म. वो थॉट चेंज कर रहे हैं. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो सभी की होती है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है और ये आपका के आपके, आपके अंदर वो टैलेंट है तो उसे छोड़िए नहीं. कहीं ना कहीं शायद वो कहीं हिट कर जाए और आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए जहाँ से आपका प्रोफेशन आगे ग्रो हो जाए. तो इसे पैरेलली मेंटेन रखें, ना कि छोड़ दे कि नहीं इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ देते हैं. बिल्कुल. जो इंडिया के टॉप आज के ज़माने में पेंटर्स हैं वो पुअर घरों से बहुत सारे आए हुए हैं, तो आज वो उनकी पेंटिंग की वैल्यू बढ़ गई है और काफ़ी अच्छी हो गई है, पर उनका एकदम एंड आ रहा है एज का. तो ये ज़रा फास्टर आ जाए सिस्टम, इसके लिए द हार्ट ऑफ आर्ट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्लेटफॉर्म के स्पीड से उनकी प्रोग्रेस हो, नॉट व्हेन दे डेड एंड व्हेन दे डाइंग एंड व्हेन दे टर्न्ड ब्लाइंड. वो सब सिस्टम चेंज करना बहुत ज़रूरी है. जैसे भी ये थोड़ा ये इवेंट के थ्रू आपको भी थोड़ा सा नॉलेज आ गया होगा कि ओके आर्ट इन्वेस्टमेंट होता है, आर्ट खरीदते वक्त पूछा जाए कि ये करे कि ऑथेंटिकेट है या नहीं है. तो जब आप एज अ ऑडियंस डिमांड करना शुरू करेंगे तो सप्लाई का हमें भी करना पड़ेगा. तो और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हर कॉर्नर से आर्टिस्ट जो है उसको कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिलेगा. पैसे को लेके अगर एक और सवाल है जी, जो सेल करने वाली बात आती है, अगर आर्टिस्ट अगर मैं हूँ तो ये पैसा कौन डिसाइड करेगा कि मैं करूँगा कि आप करेंगे? आर्टिस्ट डिसाइड करता है उसके समय के हिसाब से, उसे कितना टाइम लगा है पेंट. बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं किसी भी पेंटिंग को डिफाइन करने में कि वो कितने प्राइस की हो सकती है. जैसे जैसे आर्टिस्ट फेमस होता है उसका एक प्राइस होता है, वो प्राइस बढ़ते जाता है, नीचे तो जाएगा नहीं, कभी भी बढ़ते जाएगा. तो हमारा ये काम है कि उसका प्राइस भी बढ़ना चाहिए, उसे उसकी प्राइस वैल्यू मिलनी चाहिए. तो ये बहुत ज़रूरी है. आर्टिस्ट जो स्टार्ट हो रहे हैं, नवे नवे हो रहे हैं, उनका तो प्राइस बहुत लो है, लेकिन जो आर्टिस्ट ऑलरेडी ये पेंटिंग्स बना रहे हैं इनके प्राइस ऑलरेडी दिख रहे हैं कि बढ़ चुके हैं. आज वो 50,000 की जो पेंटिंग वो दिख रही है, आई थिंक इवन आई वुड लाइक टू बाय इट, यू अंडरस्टैंड. तो वो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उसकी वैल्यू 1 लाख होगी, आगे चल के 2, 3, 4 बढ़ती जाएगी. एक और सवाल है, जो आर्टिस्ट जो होते हैं अच्छे आर्टिस्ट होते हैं लेकिन उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं होती. मैंने सुना कि आप बता रहे हैं कि आपके पास स्टोर करने की जी, तो इस तरह के कुछ आप मूवेयर कराएंगे स्टोर करने के लिए? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन बनाएंगे ताकि आर्ट जो है एक पर्टिकुलर तरीके से अच्छे तरह जिस जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो सालों सालों तक संभाली जा सके, उस स्टाइल में ही आर्ट को हम स्टोर किया जाएगा. मोस्टली क्या होता है कि आर्टिस्ट जब ट्रैवल करता है, जैसे वो मुंबई में आता है, एक एग्जीबिशन करता है और वापस चला जाता है, उसे वापस अपने पेंटिंग को लेकर हम अकेले नहीं और भी बहुत सारी एग्जीबिशंस होती है, तो वो उसके लिए फिर से उसे लेकर आए, वो लॉजिस्टिक इंक्रीज होगी. तो हमारे स्टोरेज सेक्शन में वो आर्ट को रख कर जा सकता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टाइल में उसको स्टोर किया जाएगा. सेकेंडली इसमें ऐसा भी होगा कि जनरली भी लोगों को पता होगा कि हमारे पास में 20,000 कलेक्शन है, हमारे स्टोरेज में 10,000 कलेक्शन है, 20,000 कलेक्शन है. तो अगर किसी को आर्ट की ज़रूरत होगी तो बहुत इमीडिएट हमारे पास में आएगा और आर्टिस्ट को ना मुंबई ट्रैवल किए भी यहाँ बैठे बैठे उसका पेंटिंग सेल हो सकता है. लास्टली मेरा एक और सवाल है, ये जानना चाहूँगा कि आपने लाइव की बात की थी जी, अगर आप जैसे कि अभी मुंबई में हो रही है, नेस्को में हो रही है जी, मेरा आर्ट जो आर्ट है मैंने घर में लगाया है या कहीं लगाया है, वो उस तरह भी इसको दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? अगर मेरे घर पे है तो नहीं, वो हमारे पोर्टल पे आ सकता है, ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल पे आ सकता है, वहाँ नहीं, नेस्को में नहीं दिखाया जाएगा. मुकेश जी तो ये वाले मुकेश जी है, वो वाले मुकेश जी अच्छा ऋषि जी तो मुझे इस चीज की नॉलेज है, जितनी भी बातें इतनी इन्होंने की हैं सब मुझे पता है. मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं लेकर और बहुत सारे लोगों से मेरी बातें हुई थी, वो सारी पूरी स्टोरी उन्होंने सुना दी है ज्योति जी ने. तो मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे चाहे एक्टर हों, राइटर्स हों,
डायरेक्टर्स हों, कोई भी हो, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो बड़ा प्लेटफॉर्म, इनके प्लेटफॉर्म पे एक नया आदमी आते ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग होंगे। तो नेचुरली जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जिनको ये भी मालूम है कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए, क्या इस लाइक है कि नहीं इनके पोर्टल पर आ सके, वो तो इनको नॉलेज होगी। या कई बार आप रिजेक्ट करके सामने वाले को भी इंकरेज कर सकते हो, इसको बेटर करके लाओ, यू आर केपेबल इन दम, बट स्टिल आप और बेटर करो। तो ये जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक और क्वेश्चन है, आप बॉलीवुड में बुरा काम कर रहे हैं, इसमें भी कॉपी रैंक कुछ है कि उसको सर सेम स्टोरी का तक हिंदी नहीं बनता है, नहीं नहीं इसमें देखिए इन्होंने पहले बता दिया है, मुझे भी नॉलेज है इस चीज़ की। ये जब आप अपना कोई भी चीज पेंटिंग जब इनको देंगे तो पेंटिंग इनके पास रहेगी, इसलिए तो स्टोर बना रहे हो, और वो स्टोर इसलिए बनाएगा, वो साइन होगा, वो उसको दूसरी को ऐसी बना के बेच नहीं सकता, ये इसलिए लीगल काम आ गया, लीगल टीम हमारी इसलिए। ऐसा नहीं मैं तीन कॉपी बना के, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पेंटिंग की सबसे बड़ी कदर क्यों होती है, क्योंकि एक ही पीस बनता है, और कभी भी रेप्लिका बन नहीं सकता। जब भी उसका डुप्लीकेट बनेगा तो वो ऑथेंटिकेशन आराम से पता चल जाता है कि ये हुसैन है या उसका डुप्लीकेट है। हैदराबाद में बहुत लोग बैठे हैं जो बना रहे हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन आप फिर से पूछिए, मैं भूल गई। आपकी आइडिया कब, आपको ऐसा लगा कि इसके साथ में जुड़ना चाहिए था आर्ट ऑफ आर्ट के साथ? अभी ये आर्टिस्ट है, जो बोल रहे थे और वो मैं वहाँ देखी जा रही थी, और वो बोल रहे थे कि कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। तो मैंने इनका जब टॉक खत्म हुआ, मैंने इनको बोला मैं भी आ सकती हूँ क्या? पक्का आएंगी आप। मैंने पेंटिंग क्लासेस बचपन में समर हॉलीडेज में ली थी। आई यूज टू डू ऑयल ऑन कैनवस, अब मैंने एक्रिलिक कर दिया है, बिकॉज दे आर मोर वाइब्रेंट, यू नो द कलर्स। ऑयल में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और सूखना, एंड यू नो ऑल दैट इज अ लॉट ऑफ पेन, एंड आई लव रेजिन, आई लव रेजिन वर्क। सो मैं और मेरी फ्रेंड है तंजील मलिक, हम आर्टिफैक्ट्स में जा रहे हैं खुद, तो यू नो यू सी म्यूरल्स, यू सी यू नो दैट इज आल्सो देयर पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन। इट इज, यस इट इज, एब्सोल्युटली, या सो यू कैन बी देयर। सो मैं, आई लव यू नो डेकोर एंड डेकोरेटिंग एंड प्लांटर्स एंड स्टैचूज एंड ऑल दैट, सो लेट्स सी। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, हाय, आप किस तरह, आपने बहुत मैं वो माइक है, गदर की टीम भी आ गई है। गदर वालों, कुछ बोलना चाहोगे? तुम लोग तो तोड़फोड़ वाला आर्ट करते हो। जैसा कि इसका नाम लिखा है द आर्ट ऑफ आर्ट, हां तो आर्ट तो भैया दिल से निकलती है, हां चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, हां चाहे वो एक्टर हो या पेंटर हो, हां वो दिमाग से नहीं चलता, वो दिल से चलता है। आर्ट हमेशा दिल से ही बनती है, मेरा ऐसा मानना है। तो जैसा कि नाम आपने रखा है भाई साहब बिंदु जी, काफी बेहतरीन नाम है, और लोगों को आगे इसमें चांस मिलेगा। जैसे कि बताया कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इस माध्यम से उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस मिलेगा। एब्सोल्युटली। और जिनके ऑलरेडी जो आर्टिस्ट या जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं,
तो इनका भी एग्जीबिशन में और नाम करना ताकि दुनिया इन्हें अपने नाम से जाने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की पेंटिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा 2 लाख होगी, उसी की 5 लाख होगी, एब्सोल्यूट 10 लाख होगी, 2 करोड़ होगी, 4 करोड़, बिल्कुल। ऐसी एक-एक शब्द में जानना चाहेंगे आप सभी से, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने राइट। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कला का बाजार आर्ट ऑफ आर्ट, तो कला के बाजार में सबसे बड़ी जो छोटे शहर से थे मेरे जैसे लोग, जो हम तो अपने एक्टिंग लाइन में आए, लेकिन जो आर्टिस्ट लोग हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, शायद उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि कहाँ जाएं। वही किसी ने सवाल किया था कि उनके घर वाले शायद आप ही नहीं ध्यान दिए, तो जब ऐसी मार्केट मिलेगी तो शायद घर वाले अपने आप ही उनको बोलेंगे कि आप कीजिए, क्योंकि हम भी कभी आए थे, हमें मालूम नहीं था, 20 साल लग गए शायद समझ में नहीं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है कि शायद बंदे को 20 दिन लगेगा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ बेचना है और मुझे किस तरह से अपना समझना है। तो ये इसके लिए मैं तो अपना सौभाग्य आज समझ रहा हूँ कि मैं आज यहाँ इनका हिस्सा बना, कि नए टैलेंट को मौका मिलेगा और उनको बाहर मिलेंगे और उनकी वैल्यू बढ़ेगी। IT. Because I am an IT person. I do study a lot, and human brain is the most complex thing or object. Anything, you know, you frame it as an object or anything, it's the most complex part in the world. So itna research hota hai human brain se, but still we know it discovers something every day. अगर ह्यूमन ब्रेन को पोर्ट्रे करो इन फॉर्म ऑफ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, हाउ इज टू पोर्ट्रे इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड दैट इज व्हाई व्हाट आई थिंक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैनॉट पोर्ट्रे अ ह्यूमन ब्रेन, यू कैनॉट पोर्ट्रे द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। सो आई थिंक आई मीन ब्रिलियंट, इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव। इम्पॉर्टेंटली आप इंडिया में इतने टैलेंट हैं, go into those talent landscape and try to find people, it's very difficult to find people because itne chupe chupe talent hai and you don't know about it. It's very important globally unko aisa platform diya jaye so that they come out, they show their talent, and obviously I think it would be the most like it was something that was written in the presentation, like a celebration of art. So yeah, it will be a celebration. आर्ट एक ऐसा एग्जीबिशन है कि वो सिर्फ एक कला होती है कि जो इंसान सिर्फ उसको आर्ट से ही फॉर्म कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता उसको आर्ट, कोई भी नहीं कर सकता, वो एक ब्लड में ही होता है आर्ट, और सब आर्टिस्ट नहीं बन सकते यहाँ पर। और जब आर्टिस्ट को हम एक मौका देते हैं उनका आर्ट एक्सपोज करने के लिए, हर एक आर्टिस्ट बाहर नहीं आता उनके घर से, पर हम लोग ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है हर एक आर्टिस्ट को कि हर एक कोई भी कला हो कि उनकी कला छुपनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ने उनको एक मौका दिया है कि हम लोग उनके लिए जितना हो सके बेहतर से बेहतर उनके लिए कर रहे हैं कि जो कि वो भी सेटिस्फाइड हो, उनकी जो वैल्यू है वो भी पूरे आम सबको पता चले। इसलिए हम लोग ये जो हार्ट ऑफ आर्ट जो इवेंट है सब ऑर्गेनाइज कर रहे, सिर्फ ये इसलिए कर रहे, और जो विजिटर्स है एक्सेप्ट वो भी सेटिस्फाइड हो इस चीज़ के वास्ते। थैंक यू, इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बिंदु दारा सिंह जी को और मैडम गीता जी को और उमेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे कम से कम 2 शब्द रखने के लिए आप लोग के साथ बुलाए। मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैडम की तरफ से और एक रिक्वेस्ट आपकी तरफ से। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दी है तो मेरे लायक कुछ बचा नहीं। मैं सिर्फ एक ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैं खुद मैं एक डायरेक्टर हूँ, फिल्म में सीरियल डायरेक्ट किया मैंने और फिल्में कर रहा हूँ, फिल्म के बारे में जानता हूँ। जिस तरह मैम पूजा जी, ऋषि जी और बिंदु जी हैं और मैम है जो एक्टिंग के दुनिया से हम लोग हैं, मैंने ये महसूस किया है कि वाकई में रियल टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैंने महसूस किया है एक्टिंग के जो अपना विधा है उसमें,
मैं मैम से बोलूँगा कि एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मिथिलांचल में बिहार में बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, वहाँ पे बहुत बड़ी कस्बा है, इलाका है जहाँ विश्व विख्यात है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा वहाँ जोड़ना और चाहूँ कि पटना या फिर वहाँ नियर एवॉर्ड इस शहर में शामिल करें। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि अभी भी मेरा ईस्ट सेक्शन जो है वो हमारा जो है वो अभी भी पेंडिंग है, जो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर सुदूर जो गांव में बसे हुए हैं ना, एक्चुअली आपका जो इतना मन इतना पवित्र है कि रियल टैलेंट को वाकई में आप एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, बहुत कम लोग सोचते, सिर्फ सोचते पैसे के लिए। एक रिक्वेस्ट इनसे कर लिया मैंने और मैम हो सकते हैं मान भी जाएंगे। दूसरा ये है कि क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप उनको एक इंकलाब दीजिए, एक परिवर्तन, एक मतलब स्टेज, एक क्वेश्चन दीजिए कि जुड़ो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज के डेट में आप लोग सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं। आप उन सब मोबाइल में, टीवी में और लैपटॉप में पहुंच जाते हैं, तो उनको एक क्वेश्चन, उनको एक कहीं ना कहीं आमंत्रण दीजिए ताकि इनका काम आसान हो जाए, ताकि रियल टैलेंट इनसे जुड़ सके। और इनका जो मकसद है तो सिर्फ पैसे से नहीं, रियल टैलेंट वाकई में उनका मिले, स्टेज मिले और उनका कहीं ना कहीं अपना एक नाम मिले और अपना टैलेंट दिखा के जो भी है अपना पा सके। तो बाकी इनका जो मकसद है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना कि ये कामयाब बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत ही शुद्ध दिल से जुड़े हैं और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप एक मुहिम बनाइए। थैंक यू। अभी तो फिलहाल शिल्पा शिंदे जी के भाई हैं जो एक्चुअल अपनी स्टॉल लिया है उनने, और उनकी ब्यूटीफुल फोटोज विल बी देयर। पूजा जुड़ चुकी है आज, सलमान भाई को भी पकड़ेंगे, उनको भी बोलेंगे भाई आपकी भी हमने रखनी है पेंटिंग्स, ताकि लोगों को मिले सलमान भाई की भी पेंटिंग्स। तो दिस इज़ द मेन थिंग, क्या है एक ये जो पेंटिंग होती है ना, एक पेंटिंग हम देखते हैं और आप उसके 10 वर्जन निकालेंगे। जो बोलते पेंटिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाए बोलते हैं, यानी एक पेंटर ने तो बनाया कुछ सोच के, जब हम देखते हैं हमें लगता है यार ये तो कुछ और तरीका है, कोई और देखता है कुछ और तरीका है। तो ये तो एक ब्यूटीफुल चीज़ है जो फॉरएवर है, और मेरे घर के अंदर बहुत बड़े बड़े जो इंडिया के पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग्स 2-4 लगी हुई हैं। मुझे जो है लोग बोलते रहते बिंदु ये कितने में ली थी, ये 35,000 के आसपास ली थी, बोला अभी इसकी वैल्यू 2,00,000 है, हैं 3-4 साल में 2,00,000 हो गई। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ के वैल्यू बढ़ती रहती है, एंड हमारा काम है कि उनको उनकी ट्रू वैल्यू मिले। शुरुआत आप लोगों से हो चुकी है आज से। बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो हर घर पे, हर मोबाइल पर पहुंच चुका है, और ट्रूली हमें जो रिस्पांस आया है थ्रू दिस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कि ऐसे ऐसे जगह से, ऐसे ऐसे शहरों से, शायद हमने नाम भी नहीं सुना होगा, आर्टिस्ट आते हैं, उन्होंने अपने फोटोज भेजे हैं पेंटिंग के और हमने उनको मौका दिया है अपने एग्जीबिशन में। मुझे भी 100 से ज़्यादा अधिक मैसेजेस आए, सर आप ये कर रहे हैं हम जुड़ जाएं, तो पूरे इंडिया से लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो ये आज यही दिखाने के लिए कि भाई कर रहे हैं, हो रहा है और आप भी जुड़ जाएं। तो बिग बॉस, हम तो भाई यही सब कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सीरीज चल रही है उसकी शूटिंग कर रहे हैं, तो बिग बॉस देख नहीं पा रहे, और ये लगता है मुझे कुछ भी नहीं देखने पाएंगे जिस तरीके से ये सोच रहे हैं। इनको हम पूरा कॉर्पोरेट में लेकर आने वाले हैं, एक्टिंग से कॉर्पोरेट में लेकर आने वाले हैं। नहीं देख नहीं पा रहे, लेकिन गुड लक, एंड एक यानी ये हमारा शो बहुत करीब है, लेकिन सिद्धार्थ के बाद देखने का दिल नहीं करता, देखेंगे ज़रूर देखेंगे, बाद में देखेंगे। Enjoy. Thank you for coming and thank you for joining. यार देखिए सर, यार देखिए मैम, सर सामने सामने, पूजा मैम, मैम यहाँ पूजा मैम, जी पाजी, thank you. एक मिनट पाजी, मुखी पाजी तुझे कितने हो? मैम मैम, लुके लुके, वाह 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 वाह, आओ आओ आओ, पाजी आते हैं।
हाजर सर 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 यार ये सर सामने सर पूजा बहन को भी बुला लो तुम यार रोज रोज सर सर बिंदु सर ओके सर बहुत नक्शे कदम से चल रहे हैं।